इस स्टोरी के माध्यम से हम आप तक एक हैरान कुन खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 14 साल लड़की ने हाल ही में श्रीनगर के लाल दैद अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। 14 साल लड़की को उसके एक रिश्तेदार ने ज्यादती का निशाना बनाया और उसे हामिला कर दिया, जो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। उसके वालिदैन के मुताबिक लड़की घरेलू काम के लिए अपने रिश्तेदारों के पास जाती थी, क्योंकि उसकी बीवी तवक्का थी और वो डिलीवरी के लिए घर गई थी। नाबालिग के वालिदैन को अपनी बेटी के हामिल के बारे में इल्म नहीं था और जल्द ही उनकी बेटी ने दर्द और बेचैनी की शिकायत की। वो उसे अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने मुनासिब तिबिया माने के बाद उसके हामिल की तस्दीक कर दी। ये वाहिद मामला नहीं है, 6 दीगर नाबालिग लड़कियां हैं जिन्होंने हाल ही में अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया। पुलिस ने कुछ मामलों में FIR भी दर्ज की है। ग्रेटर कश्मीर के जराये हासिल करदा सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक नौगाम के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में कम अज कम 11 नवजायदा बच्चों को छोड़ दिया गया है, जिनमें से 7 केस LD अस्पताल के हैं। लाल दैद अस्पताल में चाइल्ड केयर हेल्प डेस्क की एक सामाजिक कारकुन रोहिल्ला यास्मीन ने ग्रेटर कश्मीर को बताया कि तमाम लावारिस बच्चों को देखभाल हमारी टीम, जिसकी सरबराई शफीक अजीम मतु कर रहे है। उन्होंने कहा कि कुछ नवायदा बच्चों की पैदाइश नाबालिग और दीगर बच्चों के जरिए होती है। ज्यादातर नवायदा खवातीन को उनके वालिदैन उनकी जिंस की वजह से छोड़ देते हैं। चाइल्ड केयर हेल्प डेस्क के एक और सामाजिक कारकुन मुबारक अहमद ने ग्रेटर कश्मीर को बताया कि बच्चों को जन्म देने वाले नाबालिगों की ये केस वादी के मुख्तलिफ इजला से आए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ज्यादातर हालिया केस कुपवाड़ा, बांडीपुरा, त्राल और कुलगाम शोपियान से है। कुछ केस श्रीनगर से भी थे, हमें दूसरे इजला से भी ऐसे केस आते हैं। उन्होंने कहा कि बाद सूरतों में जब बच्चे मर जाते हैं तो उन्हें जमीन खरीदनी पड़ती है जहाँ वो उन्हें दफन कर सके। हम मुर्दा बच्चों को नाबालिगों या उनके वालिदैन के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं जहां कुत्ते उन्हें खाते हैं या पानी के जखायरे में। एक नाबालिग ने मुर्दा जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और हमें जमीन खरीद कर दफनाना पड़ा। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, ये जज्बाती और जिस्मानी तौर पर बहुत मुश्किल है। हुकाम ने बताया कि कुछ बेअवलाद जोड़े आगे आते हैं और उन नवजायदों बच्चों को गोद लेते हैं। अगर कोई गोद लेने का इंतखाब करना चाहता है तो जोड़े को उसके लिए एक मुनासिब कानूनी तरीके कार से गुजरना पड़ता है, तभी वो इन नवजायदा बच्चों को गोद ले सकते हैं। अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने ग्रेटर कश्मीर को बताया कि सनफ इम्तियाज इखलाकी ग्राउंड बच्चे को छोड़ने के खतरे की वजहात है। शफीक अजीम मतु, सुप्रिंटेंडेंट फुलवारी, क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर श्रीनगर, मिशन वस्तेलिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस कश्मीर ने ग्रेटर कश्मीर को बताया कि हमारे पास 2 मराकज है जहां हम इन नवजायदा बच्चों की देखभाल करते हैं। एक नवगाम श्रीनगर में है जिसने रजिस्ट्रेशन कराई है। 11 लावारिस बच्चे और एक और मरकज बांडीपुरा में है जिसने 5 लावारिस बच्चों को रजिस्टर किया है। शफक शेल्टर होम फॉर गर्ल्स श्रीनगर, मिशन वस्तेलिया बच्चों की तहफ्फुज़ की खिदमात के सुप्रिंटेंडेंट भी है। उन्होंने कहा हमारे पास इन बच्चों के लिए आया और वो उन नवजायदा बच्चों की मुनासिब देखभाल कर रहे हैं, जैसे खाना खिलाना, सफाई करना, धोना। उन्होंने मजीद कहा कि उनके महकमे को ज्यादातर केसेस LD अस्पताल और चाइल्ड अस्पताल से मौसूल होते हैं। उन्होंने कहा कि 90% केसेस नाबालिग है, ज्यादातर ना उम्र माए बच्चों को जन्म देती है। हमारे महकमे का नाम मिशन वस्तेलिया रखा गया है। जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और तहफ्फुज एक्ट 2013 ने चाइल्ड वेलफेयर कमीशन CWC को एक लावारिस बच्चे की तवील देने का इख्तियार दिया है जो एक CJM की देखभाल में था। रियासत के हर जिले में इन में से एक कमेटी काम कर रही है। CWC के सामाजिक कारकुन किसी भी लावारिस बच्चे को अस्पतालों से जरूरी तिबिया देखभाल हासिल करने के बाद गोद लेते हैं।